देखिए सबसे पहले आपको बता दूं वीडियो में कि अभी ये जो नई जनरेशन महिंद्रा थार है इसके लॉन्च से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी हमारे पास, जिसमें ऐसा बताया गया था कि नवंबर के आसपास इसको इंडिया में पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया जाएगा। और अब हमारे पास एक नई रेंडर इमेज आई है जो कि SRK की तरफ से आई है और उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और थोड़ा सा डिजाइन एलिमेंट्स देखेंगे क्या क्या आपको उसमें देखने को मिल सकता है। और मेरे ख्याल से ये जो SRK की रेंडरिंग आती है काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, तो हम मान के चल सकते हैं कि ये जो नई जनरेशन थार आपको देखने को मिल जाएगी ये कुछ इसी तरीके की होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटोवेज पे। मेरा नाम है हर्षित और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नई जनरेशन महिंद्रा के बारे में और जो रेंडर इमेज हमारे पास आई है उसके बारे में, थोड़ी सी डिजाइनिंग एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी सारी भी डिटेल्स आपको इसके बारे में मैं देने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सजेशन है या फिर मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतजार के। तो दोस्तों अपनी स्क्रीन पर आप जो देख पा रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि ये जो नई जनरेशन थार आने वाली है इसका एक साइड प्रोफाइल का पूरी तरीके से बहुत बेहतरीन रेंडरिंग करके दी है SRK डिजाइंस ने। अब यहाँ पे अगर इसके एलिमेंट्स की बात करी जाए डिजाइन एलिमेंट्स की, तो सबसे पहले आप इसका बोनेट जो है वो थोड़ा सा स्लोपिंग सा देख पा रहे होंगे। इसके अलावा बोनेट के ही साइड में आप देख पा रहे होंगे जो काफी बढ़िया और काफी हैवी जो साइड क्लैडिंग व्हील आर्चेस पे आपको साइड क्लैडिंग दे रखी है, काफी बढ़िया लग रही है वो, इसके रगेड लुक दे रही है इसको। इसके अलावा ये जो क्लैडिंग दे रखी है इसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर भी मिल जा रहा है और उसके नीचे मेरे ख्याल से काफी बड़े से आपको 16 या 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जा रहे हैं जो कि पूरी तरीके से ब्लैक पेंट हैं, तो ये काफी बढ़िया और शानदार लग रहे हैं। अब देखिए इसके अलावा साइड प्रोफाइल में हमें क्या क्या दिख रहा है, हमें थार की बैजिंग दिख रही है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में ये जो रेंडरिंग है आपको बता दूं कि ये 4-डोर वेरिएंट की है, तो आपको साइड में इसमें 2 दरवाजे दिख रहे होंगे, नॉर्मल से कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है। इसके अलावा जो ORVM है वो आप देख पा रहे होंगे वो भी एकदम नॉर्मल सा है, मेरे ख्याल से वो ऑटोमेटिक भी नहीं है, मैनुअल एडजस्टमेंट वाला ही है। इसके अलावा आप साइड में देख पाएंगे कि क्लैडिंग जो आपको दूसरे पीछे वाले व्हील आर्च पे देखने को मिल रही है वो है। इसके अलावा वहां पे भी आपको व्हील काफी बढ़िया सा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप पीछे के पोर्शन में अगर देखेंगे तो आपको जो पीछे का एक स्टेपनी होती है वो देखने को मिल जाएगी जो कि पीछे बैक डोर पे लगी हुई देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये जो रेंडर इमेज है हमारे पास ये मेरे ख्याल से हार्ड टॉप वाली है, तो इसमें आप वो भी देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो इसका टॉप आपको रूफ देखने को मिलती है वो हार्ड टॉप के साथ दे रखी है और पीछे आपको थर्ड रो की तरफ एक विंडो दे रखी है जो कि मेरे ख्याल से खुल भी नहीं सकती है, एक परमानेंट विंडो है वहां पे। तो दोस्तों इसके अलावा बाकी हमें इसके बारे में कोई भी ऐसी डिटेल खास नहीं नजर आ रही है जिसके बारे में और कुछ डिस्कस किया जाए, तो ये आपको साइड से कुछ नई जनरेशन थार जो होने वाली है वो ऐसी दिखने वाली है। अब देखिए दोस्तों अगर इसके कैबिन के बारे में बात करी जाए तो ये जो नई जनरेशन महिंद्रा थार आने वाली है इसमें आपको एक पूरी तरीके से नए डिजाइन का जो डैशबोर्ड है वो देखने को मिल जाएगा, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, सेंटर कंसोल नया होने वाला है। इसके अलावा जो फ्रंट फेसिंग रियर सीट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी आपको। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इसकी जो स्टाइलिंग है वो इम्प्रूव की गई है और इसके साथ साथ इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट देखने को मिल जाएगी पुराने वाले जनरेशन के मुकाबले। देखिए अगर इसमें कुछ इसके फीचर्स के बारे में आपको बताऊं तो इसमें आपको मिल सकता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, कलर MID, डुअल फ्रंट एयर बैग्स। तो ये सारे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में अभी फिलहाल हमें कंफर्म है कि ये सारी चीज़ें आपको नई जनरेशन महिंद्रा थार में मिल जाएंगी। तो देखिए दोस्तों अब फाइनली मैं कुछ इसके अगर इंजन के बारे में आपको बताऊं तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। एक होने वाला है 2.0 का इंजन जो कि प्रोड्यूस कर पाएगा 140 BHP की पावर और ये एक डीजल इंजन होने वाला है। इसके अलावा एक पेट्रोल इंजन की बात करें जो कि टर्बो पेट्रोल इंजन होने वाला है वो होगा 1.5 का। ये इंजन ऑलमोस्ट प्रोड्यूस कर पाएगा 163 PS की पावर और ये 4-सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन होने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको पावरफुल इंजन इसमें मिलने वाले हैं। अब देखिए फाइनली अगर इसके ट्रांसमिशन के बारे में बताया जाए तो महिंद्रा ने यह कंफर्म कर दिया है कि ये जो नई जनरेशन थार आने वाली है इसमें आपको 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो केवल डीजल वेरिएंट में ही मिलेगा। इसके अलावा अगर इसके मैनुअल गियरबॉक्स की बात करी जाए तो उसमें आपको 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया नई जनरेशन जो महिंद्रा थार आने वाली है उसके बारे में। हमारे पास एक रेंडर इमेज आई थी जिसमें पूरी तरीके से इसका साइड प्रोफाइल हमें एकदम साफ तौर पर देखने को मिल रहा था और मेरे ख्याल से जो नई जनरेशन महिंद्रा थार आने वाली है वो कुछ आपको इसी तरीके से इसी लुक में आ जाएगी। तो फाइनली दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या फिर सजेशन है मेरे लिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो गुड बाय।
अब देखिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट पार्ट में अगर बात करें इसके लॉन्च डेट और एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो अभी तक माना जा रहा है कि आप मान के चलिए 9.5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में इसका प्राइस स्टार्ट हो सकता है। और इसके अलावा अगर इसके एक्सपेक्टेड लॉन्च की बात करी जाए तो नवंबर के आसपास महिंद्रा का ऐसा कहना है कि इसको वो इंडिया में लॉन्च कर देंगे पूरी तरीके से।